हाँ, मैं उसी फार्म हाउस के बाहर हूँ जहाँ बड़े बाप की औलादें अय्याशियां करने के लिए आती है ना। अभी अभी यहाँ से एक बहुत बड़ी गाड़ी गुजरी है जिसमें सिर्फ एक लड़का और एक लड़की है। मौका बहुत अच्छा, अगर माल कमाना है तो घात लगा लो। ये क्या, यहाँ से रास्ता ब्लॉक है क्यों? I don't know. क्या सीन है? अरे कोई दूसरा रूट देख। सलमान, सलमान बाहर निकल। चल बे चिकने, आयरा निकल बे, बाहर निकल। मोबाइल वॉलेट जो भी है सब हमारे हवाले कर। निकाल। देर। वो उन्होंने मेरे फियांसे को पकड़ लिया उनके पास। ओ तेरी, ले आओ इसको भी। निकाल के ले आओ। नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। सुट गया ना, जो चाहिए मैं दिन को तैयार हूँ। अब तो हमें यही चाहिए बॉस। सलमान गाड़ी में चलो। सलीम खत्म करके साइज का। देख बे चिकने, एक मिनट है तेरे पास। गाड़ी और लड़की छोड़ और भागता हुआ नजर आ, वरना अभी के अभी तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। एक। सलमान गाड़ी में चलो। चल गाड़ी में चलो। दो। गाड़ी में चले। तीन। सलमान प्लीज चलो गाड़ी में चले। ए निकल यहाँ से। कान निकल। सलमान। आ गया से। सलमान। सलमान। निकल। बैठा उसको गाड़ी में। चल गाड़ी में। सलमान। सलमान। एक। बैठाओ उसको। प्लीज सलमान। चुप। अगर उस रात वक्त पे पुलिस नहीं आई थी तो मैं अपने आप को मार देती, पर मैं बच गई। मैं उस रात बच गई। पर उसके अलावा बहुत कुछ और खत्म हो गया। मेरे दिल से सलमान की इज्जत सब खत्म हो गया। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया कि सलमान और मेरा रिश्ता क्यों खत्म हुआ। मैंने शरीक को भी नहीं बताया कि हमारा रिश्ता खत्म होने की वजह क्या थी। तो सलमान ने तुमसे दोबारा रابطہ करने की कोशिश नहीं की? की थी। उसने मुझे बहुत दफा फोन किया, मैंने नहीं उठाया उसका फोन। फिर एक दिन मैंने उसका फोन उठाया, वो माफी मांग रहा था मुझसे, पर उस माफी का क्या फायदा। मैंने उसे माफ करने की कोशिश भी की, पर मैं बार बार ही सोचती रही कि ठीक है, अगर उस रात पुलिस नहीं आती तो क्या करता सलमान? वहां रुक जाता ना, मर जाता तो मर ही जाता, पर मुझे छोड़ के तो नहीं जाता। मैंने फिर भी उसे माफ किया, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल से ये बात नहीं जाती कि वो उस रात मुझे अकेले छोड़कर चला गया था। अगर क्यों, उसे अपनी गलती का तो एहसास हो ही गया था। हाँ, लेकिन मैं बार बार यही सोचती रहती हूँ, अगर वो लोग उस रात अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो क्या होता, क्या सलमान आता मुझे एक्सेप्ट करता? इसका जवाब तुम भी जानते हो और मैं भी। अब कहाँ है सलमान? पता नहीं, शायद बाहर शिफ्ट हो गया। उस रात जब टीना हॉस्पिटल आई थी और मैंने उसका ऑपरेशन किया था, उसके बाद सैम ने मुझे बताया था कि किस तरह तुमने टीना की जान बचाई, किस तरह तुमने किसी डर के बगैर, किसी खौफ के बगैर उन जानवरों का सामना किया, कैसे तुम उसके सामने दीवार बन के खड़े हो गए थे। उस रात मुझे तुम्हारी कदर हुई,
अटीना पे रश्क। तुम जैसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं आर्यन। शायद हमारे करीब आने की वजह भी यही है। तभी तुमने पूरी रात मुझे जेल में बंद करवा के रखा। वो जरूरी था, पर असल में क्या हुआ ये सैम और टीना ने मुझे दो दिन बाद बताया था। तो फिर तुमने मेरी बेल क्यों करवाई? तुम्हारे डैड की वजह से। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो मुझ पर यकीन करती हो ना? शायद सिर्फ तुम पर यकीन करती हूं मैं, पर आर्यन मुझसे वादा करो कि अपना ही गुस्सा, अपने जुनून सब कुछ भूल जाओगे। ये सही नहीं है। जो इंसान अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, सारी जिंदगी उसका कंट्रोल दूसरों के हाथ में रहता है। और मैं तुम्हारी ये नहीं चाहती। तुम वादा करो कि मेरे लिए तुम हर चीज बदलोगे। तुम वादा करो मुझसे कि हर चीज। तुझसे परे ना कुछ और, अब कोई ही ख्वाहिशें न रही, चाहते हैं जो तेरी मिल गई, बस तेरा साथ हो जिंदगी, रब से हूँ शेरी, तुम घर हो? चलो मैं खाना बनाती हूँ, मिलके खाते हैं। भूख लग रही थी मुझे तो मैंने मैगी बना के खा लिया। तुम कर लो डिनर। तो मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, तुम मेरा साथ दे देना, बेशक खाना मत खाना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ।